मसाला रोज देना पड़ता है, चिकन मसाला देना पड़ता है। उसके के बाद उनके चिकन मसाला खा लिया है आज, और इसको मतलब क्या बीमार है क्या ये? नहीं तो ठीक है, देना पड़ता है एनर्जी के लिए पानी और इसको पकड़। तो भाई एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं ट्रैकिंग कर रहा था केरला बॉयज के साथ गुलमर्ग में, और अभी इस वक्त मैं श्रीनगर में। श्रीनगर में कैसे आया, जो केरला के बंदे थे उनको जाना था लेह लद्दाख, लेकिन लेह लद्दाख के लिए उनको आना था श्रीनगर, यहाँ से उनको बाइक रेंट करनी थी, फिर उनको लेह लद्दाख निकलना था, और मुझे निकलना था सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग जाने के लिए मुझे पहले आना था श्रीनगर। तो जो केरला के बंदे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाओगे, मैंने बोला श्रीनगर, और उनको भी श्रीनगर आना था, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको श्रीनगर ड्रॉप कर देंगे, आप वहाँ से सोनमर्ग चल जाना, हम अपना बाइक रेंट करके लेह लद्दाख निकल जाएंगे। तो इस वक्त मैं श्रीनगर पर, और एक दिन मैं श्रीनगर पर रुका था क्योंकि बहुत ट्रैकिंग करी थी यार गुलमर्ग में, तो काफ़ी थका हुआ था मैं। तो अभी एक दिन रुकने के बाद आज मैं निकल रहा हूँ नारानाग के लिए। नारानाग मतलब सोनमर्ग के रास्ते में पड़ता, लेकिन एक दिन मैं नारानाग रुकूंगा, फिर वहां से सोनमर्ग के लिए निकलूंगा। यार अभी हो रहे हैं सुबह के 10, और इस वक्त ना यार मुझे निकल जाना चाहिए था नारानाग के लिए, अभी काफी लेट हो गया हूँ यार मैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करूंगा, ब्रेकफास्ट करते ही तुरंत निकलूंगा मैं नारानाग के लिए। अब मुझे नारानाग के लिए पता नहीं कहाँ से बस मिलेगी, मैं ओनर से पता करूंगा। डायरेक्ट बता रहे हैं कि डायरेक्ट तो नहीं जाती, किसी एक जगह पर जाती है, पता नहीं वो कौन सी जगह, मैं भूल गया, उन्होंने नाम बताया था, तो उस जगह जाएगी, फिर वहाँ से 14 किलोमीटर दूर पर है नारानाग, तो वहाँ से मेरे को या तो शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी या जो भी बस या कुछ भी चलेगा। तो अभी चलता हूँ फिर यार ब्रेकफास्ट करके, फिर मिलता हूँ मैं आपको। भाई बस अड्डे पे तो आ गया हूँ, यहाँ से मुझे लेनी है कंगन के लिए गाड़ी। अभी ये है हजरत हजरत बाग। भैया कंगन के लिए कौन सी बस जाएगी, कौन सी पीछे वाली, पीछे वो ये वाली बता रहे भाई, देखते हैं वहाँ जाएगी क्या कंगन। कितनी देर में निकलेगी, निकलेगा कितनी देर में, 5 मिनट में कहाँ जाने कंगन निकलेगी ना 5 मिनट बाद, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो भाई कंगन के लिए मिल गया मेरे को बस हजरत दरगाह पर, और हजरत दरगाह में आया था एक तो जो मेरा ओनर है ना, उन्होंने मेरे को ड्रॉप कर दिया था वहाँ कोई बस अड्डा है, वहाँ से मैंने एक बस ली यहाँ पर हजरत बाग के लिए। अब यहाँ से मेरे को एक और बस लेनी है कंगन के लिए। जो ओनर है ना यार मेरा हाउस बोट का यार, काफ़ी सही बंदा है यार, उसने भाई मेरे को मतलब पहले बस अड्डे तक छोड़ा। मतलब पहले क्या होता है, जो हाउस बोट से आपको सिटी की तरफ आना होता है ना, तो आपको बोट के थ्रू जाना होता है, जिसका चार्जेस लेते हैं 10-15-20 रुपये, आप मतलब जितनी भी बार जाओगे ना वो चार्जेस करते हैं 10-20 रुपये, और वापस हाउस बोट पे जाओगे फिर चार्ज करते हैं। लेकिन भाई ने मुझसे कोई भी चार्ज नहीं किया, उसके बाद अपनी पर्सनल व्हीकल से मेरे को छोड़ा बस अड्डे तक, फिर वहाँ से हजरत बाग के लिए मेरे को बस में बिठाया। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ कंगन के लिए, काफ़ी अच्छा बंदा यार। जब मैं गुलमर्ग गया था ना तब भी भाई ने मेरे को बस अड्डे पर अपनी गाड़ी से छोड़ दिया था, फिर वहाँ से मेरे को गुलमर्ग वाली बस में बिठा दिया था। तो अभी ये चलने वाली है 5 मिनट में, बोल रहा है कि कंगन के लिए निकलेगी बस, और कंगन यहाँ से है तकरीबन 45 किलोमीटर के आसपास है, 40-45 किलोमीटर, 5 मिनट में बोल रहा है निकलेगी, फिर मैं निकलता हूँ कंगन के लिए। कंगन भाई वैसे बोल रहे कि 1 घंटे के अंदर कंगन पहुँचा दीजिए, देखते हैं। बस है यार ज़्यादा टाइम लगे, ये जो बोलते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगे यार, तो पता नहीं 1 घंटे बोल रहा है, अब कितना देगी पता नहीं है। तो बस में तो बैठ चुका हूँ मैं, निकलते हैं फिर कंगन के लिए। भाई ये इधर पहुंच गया मैं यार कंगन के पास, ये अपने भाई है मेरे को थोड़ी हेल्प कर रहे हैं मतलब बस स्टैंड तक ले जाने के लिए, वहां से मेरे को बस बताएंगे नारानाग के लिए। इधर से इधर बस कहां से मिलेगी, इधर से बस नहीं मिलेगी, शेयर टैक्सी सुमो मिलेगी, ठीक है ठीक है। अच्छा मतलब ये बस नहीं जाती वहां पर, सुमो जाती है, अच्छा लेट जाती है, ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद भैया। तो भाई ये था इन भाई ने, शेयर टैक्सी जाती है, बस जो है वो जाएगी शाम को, तो शेयर टैक्सी में पता करते हैं। नारानाथ जाओगे, नारानाथ हो
भाई नारा नाग आ चुका हूँ यार। नारा नाग आने में मुझे लगे कंगन से 45 मिनट्स। और जो नारा नाग गाँव है ना, इसके बारे में बताता हूँ यार। ये मतलब एक छोटा सा गाँव है और यहाँ पे जो मतलब मोस्टली लोग रहते हैं ना, ये नोमेडिक गुजर्स का गाँव है, जहाँ पे मोस्टली ना गुजर्स रहते हैं, जो कश्मीरी नोमेडिक गुजर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर रहते हैं बकरवाल। बकरवाल लोग जो रहते हैं वो रहते हैं जम्मू रजौरी में, लेकिन यहाँ पर वो आ जाते हैं समर के टाइम पर, और विंटर के टाइम में चल जाते हैं। वो जो बकरवाल गुजर्स है ना, वो यहाँ पे इनका काम होता है मतलब भेड़ बकरी चराने का। ये सब पहाड़ है इधर आसपास, वो पहाड़ों पर चल जाते हैं वो बकरी चराने के। वो वहीं पर वो अपना टेंट वेंट सेटअप सब करके रखते हैं और वहीं रहते हैं जो। और जो नोमेडिक गुजर्स हैं, ये इनका ये गांव है, ये गांव के अंदर रहते हैं। इनका जो मोस्टली काम है खेतीबाड़ी का काम है, इधर खेती वेती करते हैं। और दूसरा काम है जो टूरिस्ट आते हैं ना इधर, उनको घुमाना फिराना ये सब है इनका, थोड़ा गाइडिंग का और होटल्स वोटल्स चलाना, इनका लोकल ये काम है। वैसे ये जो नारा नाग जगह ना, ये मतलब इतनी पॉपुलर नहीं है कश्मीर के अंदर, अनटूरिस्टिक प्लेस में आती है, मतलब टूरिस्टिक प्लेस में आती है लेकिन लोगों को इतना पता नहीं है यहाँ पर नारा नाग के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे जो नारा नाग नाम है ना, वो है एक टेम्पल की वजह से पड़ा है। यहाँ पर टेम्पल है, काफी पुराना है, पांडवों के टाइम का बना हुआ है। तो ज्यादा हिस्ट्री मुझे पता नहीं है उसकी या नारा नाग की, क्योंकि यहाँ पे नेट चल नहीं रहा और ज्यादा मैं सर्च नहीं कर पाया। थोड़ा खंडर हो चुका है मंदिर और पांडवों के टाइम का बना हुआ है। कौन सी सेंचुरी का बना हुआ वो मैं देखूंगा। वहां पे कोई बता रहा था कि कुछ लिखा हुआ है वहां पर मंदिर के बाहर, तो वहां पता करूंगा कि मंदिर के बारे में क्या है। और नारा नाग के अंदर मैं रुकाऊंगा एक गेस्ट हाउस के अंदर। ये गेस्ट हाउस मेरे को प्रोवाइड कराया था फारूक भाई ने। फारूक भाई थे मतलब जहां पर मैं हाउस बोट पर रुका हुआ था इनकी, श्रीनगर के अंदर उनकी कोई जान पहचान थी यहाँ पर, तो उन्होंने उनको फोन करा कि ऐसे ऐसे बंदा आ रहा है आप उसको रिसीव कर लेना, और काफी सस्ते में करा दिया उन्होंने मेरा। और बाकी यहाँ से जहां पे मैं रुका हूं ना, यहाँ से पूरा नारा नाग मंदिर यहाँ से दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है भाई नारा नाग मंदिर, इसके ऊपर ही मतलब इस गांव का नाम नारा नाग पड़ा हुआ है। जो नाग है वो बताते हैं कहीं है, मतलब आगे है पता नहीं, जगह का नाम नाग जो है वो आगे की तरफ है इधर। और ये जो टेम्पल है ये बहुत पुराना टेम्पल है, ये पांडवों के टाइम का बना हुआ है ऐसा बोलते हैं। अभी ज़्यादा हिस्ट्री मुझे पता नहीं है इसकी क्या है, बाकी कोशिश करूँगा पता करने की और आपको बता सकूँ मतलब ये टेम्पल की हिस्ट्री क्या है। तो अभी चलता हूँ यार, थोड़ा मतलब विजिट करता हूँ, थोड़ा गांव कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ, और देखते हैं क्या क्या जगह है यहाँ पर घूमने के लिए। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको गाँव के अंदर। कुछ लिखा हुआ है इधर, उसको थोड़ा मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ क्या है। तो यार इस मंदिर के बारे में ना ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है कि ये जो मंदिर बना था ये बना था 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में बना था। और इसको बनाया था यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तपीड, तो उन्होंने इसको मंदिर को बनवाया था। और प्राचीन काल में बोलते हैं कि पुराने टाइम में इस मंदिर को मतलब भूतेश्वर भी कहते थे यहाँ पर। तो इतना ही लिखा हुआ है, मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा हुआ, बाकी ये माउंटेन्स से कवर है ये सब लिखा हुआ है। और इस मंदिर के बारे में आपको ज्यादा पता करना है ना, तो यार आप गूगल पे थोड़ा सर्च मार लेना, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो मैं भी थोड़ा सर्च नहीं कर सकता इस मंदिर के बारे में। बस इतना पता है कि 8th सेंचुरी में बना हुआ है और राजा ललितादित्य मुक्तपीड ने इसको बनवाया है। ये मतलब इसके ठीक पीछे ही पहाड़ है। और मंदिर ना ये मतलब थोड़ा खंडर हो रखा है, काफी पुराना 8th सेंचुरी का जो खंडर हो रखा है। ये नीचे देख रहे हो आप, ये पत्थर पड़े हुए हैं इधर। बाकी यहाँ इसको जो मेन टेंपल है ना ये पीछे, इसको थोड़ा मेंटेन कर रखा है, ये थोड़ा अभी ठीक है। बाकी जो आसपास ये जो बने हुए थे पिलर्स विलर्स, ये पूरे खंडर हो रखे हैं। जो आसपास की दीवारें थी वो खंडर है। और टेम्पल का जो दूसरा हिस्सा जो खंडर है वो इस जगह पर है। एक जो मैंने दिखाया था मेन टेम्पल वो पीछे की तरफ था उस जगह, और दूसरा पार्ट ये है जो खंडर है पूरी तरीके से। और शायद इस जगह को ना नाग टेम्पल बोलते हैं, वो पूरा पता नहीं नारा नाग उसको बोलते हैं, बहुत से बोल रहे हैं कि इसको नारा नाग बोलते हैं और बाकी इस वाले हिस्से को नाग टेम्पल बोलते हैं। और ये पीछे देख रहे हो आप शिवलिंग है ये मेरे जस्ट पीछे, तो इस वजह से इस वाला हिस्सा ना इसको बोलते हैं नाग टेम्पल, और वो पूरा जो है उसको बोलते हैं नारा नाग। छोटा सा बना हुआ है इधर, इसके अंदर पता नहीं पानी स्टोर होता होगा उस टाइम पे। और इस जगह से
यहाँ से पानी आता होगा। अब ये किस लिए था ये तो पता नहीं यार, बाकी इधर इतना पता है कि पानी के लिए बना हुआ था, पानी इधर स्टोर होता था फिर इस जगह से पानी नीचे आता था। मसाला रोज देना पड़ता है, चिकन मसाला देना पड़ता है। के बाद उनके चिकन मसाला खा नहीं रहा है आज, और इसको मतलब क्या बीमार है क्या ये? नहीं तो ठीक है, देना पड़ता है एनर्जी के लिए पानी। और इसको पसंद ऐसी ठीक है। अभी एक अंकल मिले थे, इसी गांव के अंदर रहते हैं, तो मुझसे पूछा कि कहाँ से आए हो आप। मैंने बोला राजस्थान से, तो आपके बाकी के दोस्त आए। मैंने बोला कि मैं अकेला आया हूँ, तो अंकल ना चौंक गए कि अकेला अकेला आया राजस्थान से। बोला उनके आगे ना यूं होके पर वो देखते रहे दो मिनट तक, तो कि भाई अकेला कैसे आया यहाँ पर। अरे यार यहाँ पर मतलब कितने लोग आते हैं अकेला, बाहर की कंट्री से भी आते हैं, कितने आते हैं पता नहीं। तो मेरे को क्यों चौंक गया वो देखते राजस्थान से कि मैं अकेला आया। और बाकी ये जो रिवर जा रही है ये है सिंध रिवर, वहाँ से आ रही है और इधर की तरफ जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, बाकी जा रही है। यार जो नाराना विलेज आने का जो मेरा मकसद था ना, वो यही था कि कश्मीर के अंदर मुझे एक गांव विजिट करना था। वो कौन सा करना था मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने सर्च करा और किसी एक दो बंदों से भी पूछा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा नाराना विलेज जाओ आप, काफ़ी खूबसूरत है। और मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना इस गांव से, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है यार, ये बहुत सुंदर है मतलब ये गांव। तो भाई आप जब भी कश्मीर आओ तो यार मैं ये वाला गांव ना बिल्कुल सजेस्ट करूँगा यार, जरूर आना, काफ़ी खूबसूरत विलेज है यार ये नाराना विलेज।